आपसे ज्यादा मेरी आवाज है यार। किसके बारे में बात करेंगे? ये क्या होता है, कहीं भी कोई भी काम अगर ऊंचाई को हमको करना है तो हमको ऊंचाई के काम में क्या क्या सुरक्षा लेनी है, क्या क्या सुरक्षा कर ध्यान रखना है। तो अभी ऊंचाई का काम कितने ऊपर से माना जाता है, कौन कौन बताएगा ऊंचाई का काम? हाँ यस, वेरी गुड वेरी गुड। ऊंचाई का काम हम जहाँ भी काम कर रहे हैं वो कितने ऊपर से माना जाता है बता? ये तो नहीं, वो इतना तो ठीक है, एक इतना उतना नहीं। देखो स्टैंडर्ड क्या है, 1.8 मीटर, ठीक है, 1.8 मीटर पे हम अगर काम करते हैं, मैं 1.8 मीटर पर खड़ा हूँ तो मुझे सुरक्षा उपकरण हाइट वाले लेने पड़ेंगे और उसके जो भी रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ऊंचाई पे काम करने से पहले आप अपनी जो भी ऊंचाई पे काम कर रहा है व्यक्ति वो सेफ्टी रैकेट होना चाहिए, सुरक्षा की ऊंचाई के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसका हाइट पास होना चाहिए। उसके बाद में वो व्यक्ति फिर काम करने से पहले उसका सुपरवाइजर वो परमिट लिया हाइट का या नहीं लिया, वो व्यक्ति सुनिश्चित करे अपने सुपरवाइजर से कि सर हाइट परमिट ले लिया क्या। फिर उसके बाद हाइट परमिट ले लिया है उन्होंने बोल दिया तो उसके बाद साइट पे आपको जहाँ काम करना है वहाँ सुनिश्चित करो कि ये सबसे पहले कि मैंने अपना सुरक्षा उपकरण ठीक से पहना है कि नहीं, हेलमेट ठीक से पहना है कि नहीं, हेलमेट का फीता टाइट होना चाहिए क्योंकि इधर उधर ऊपर नीचे होगा तो स्लिप करके गिरना नहीं चाहिए। फिर हमारी जो सुरक्षा बेल्ट है, ये जो फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस है, इसको पहन लो और इसको ठीक से चेक कर लो, ना तो ये लूज़ होना चाहिए और ना ही टाइट होना चाहिए, ये कम्फर्ट होना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर। अब कैसे चेक करेंगे कि ढील या का टाइट है? इधर ये स्ट्रिप को देखेंगे, इसमें हाथ घुसा के चेक करो, इसमें हाथ घुसा के चेक करो, इसको बेटा छोड़ दो नीचे, अब इसमें हाथ डाल के देखो बिल्कुल टाइट, ये मतलब ढीला भी नहीं होना चाहिए टाइट भी नहीं होना चाहिए। फिर हाथ निकालो, यहाँ वाली ये स्ट्रिप है इसमें डालो हाथ, ऐसे करके ये चेक करो, तो ऐसे करके चेक करो ढीली भी नहीं होनी चाहिए इनका क्या है, अब ये थोड़ा सा ये ढीला है, ये अभी और टाइट होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ चेक कर लो, फिर ये चिन स्ट्रिप है ये भी ठीक से चेक कर लो, है ना। और उसके बाद में फिर हम पीछे हाथ डालेंगे और पीछे जो बैक डीरिंग है ना बकल उसको पकड़ेंगे और वो अगर हमारे हाथ में आता है तो पीछे में बेल्ट सही फिट है ना। तो अभी चलो ये बक्कल पकड़ के दिखा, ये वाला बक्कल पकड़ के दिखा, हाथ से ये हाथ में आ रहा है हमारे में, ये वाला बक्कल घुमाओ ऐसे, ये ऐसे करके हाथ में आना चाहिए हमारे में, ठीक है। अगर ये हाथ में नहीं आ रहा है तो इसको फिर से ठीक से टाइट करके अलग ऊपर एडजस्ट करो, ये हाथ में आना चाहिए, ठीक है, तो ये ठीक है, ओके हाथ हटाओ। अगर ये बक्कल यहाँ है हाथ में नहीं आ रहा है तो ये गलत है, क्या गलत रहेगा, इनके सब हम सेफ्टी बेल्ट पहन के काम कर रहे हैं स्लिप करके और हमने बेल्ट को बांध के रखा था और स्लिप करके, तो अगर ये यहाँ है ना तो डमरू की तरह ऐसे बीच में ही लटक घूमेंगे ना, पैर और हाथ दोनों घूमेंगे, ये यहाँ से लटके रहेंगे, ठीक है, ऐसे करके। अगर ये बेल्ट यहाँ होगी ठीक से ऊपर में तो क्या होगा, आदमी ऐसे होगा जैसे कुर्सी पर बैठता है, ऐसे लटकेगा जैसे सीधा के सीधा, जैसे अभी है कुर्सी पर बैठता है ना वैसे लटकेगा आदमी, ठीक है। तो इसलिए ये सही पोजीशन में होना चाहिए बेल्ट डीरिंग। अब उसके बाद में जहाँ पे काम कर रहे हैं तो चढ़ने के लिए उतरने के लिए ये चीज़ सुनिश्चित करो कि भाई जो लैडर है वो प्रॉपर होना चाहिए, एक स्लोप एक निश्चित रहता है वो स्लोप में होना चाहिए, है ना। और आने जाने का जो रास्ते हैं लैडर के आसपास वो क्लीन होने चाहिए, लैडर को नीचे बंधा होना चाहिए, मतलब लैडर ऊपर में इतना जहाँ एज है ना एज से 1 मीटर ऊपर होना चाहिए ताकि उसको आराम से पकड़ के हम अपना ऊपर चढ़ सकें, ऐसे करो, है ना, रेलिंग के रूप में उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद में जहाँ ऊपर काम कर रहे हैं कोई प्लेटफॉर्म है तो वो पूरा फुल्ली कवर्ड होना चाहिए, कुछ भी या चाली से या किसी चीज़ से फुल कवर्ड होना चाहिए, और चाली है तो वो दोनों तरफ बंधी हुई होनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद जो प्लेटफॉर्म है चारों तरफ में उसकी रेलिंग से होनी चाहिए, रेलिंग है ना, एज प्रोटेक्शन होनी चाहिए रेलिंग, एक तो यहाँ तक की रेलिंग रहेगी तो उसको कुछ लोग कमर बल्ला बोलते हैं, कुछ लोग हैंडरेलिंग बोलते हैं, है ना, जो आप समझो, तो वो हैंडरेलिंग जो है जो टॉप रेल है वो ऊपर की यहाँ लेवल की वो होनी चाहिए। उसके नीचे में फिर एक रेलिंग और होती है उसको नी रेलिंग बोलते हैं, घुटने के बराबर में रेलिंग होने लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे में किनारे में ही
फिर एक टो गार्ड लगता है, तो टो गार्ड भी लगा हुआ उसमें होना चाहिए, 150 mm का टो गार्ड होना चाहिए। और ये एज से नीचे से प्लेटफॉर्म से और जो मिडल रेल जो है करीब करीब 600 पे होनी चाहिए, और ऊपर में फिर टॉप रेल जो है 900 पे होनी चाहिए, 950 पे, ऐसे करके इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान देना है। और उसके बाद में ऊपर बांधने के लिए कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारा, सेफ्टी बेल्ट जो हम हुक करेंगे ना ऊपर निकल, ये जो हुक है इसको हम जहाँ बांधेंगे, अभी ऐसा है कि अभी ये लेवल में नहीं बांध रहा है, इस लेवल में नहीं, इस लेवल में, जहाँ तक हमारा हाथ जाता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में उसको ऐसे करके बांध रहा है, ऐसे करके, ठीक है, तब अपना घूम घूम के हमको काम करना है। और ये दोनों का इस्तेमाल करना है, अभी मान लो हम इधर से उधर जा रहे हैं तो एक को खोल के उधर पहले बांध लो, है ना, और उसके बाद दूसरे को खोलना है, क्रॉस कर रहे हैं तो, या सीढ़ी पर जा रहे हैं हम और पॉलिएस्टर नहीं लगा रखा है हमने, तो हम इसका भी ऐसे फंसा फंसा के चलने का स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं। दिखाओ, अभी जैसे ऐसे चढ़ेंगे ना, बांध दिया, फिर ऊपर चढ़े, ये बांध दिया, ठीक है, ऐसे, तो इसका इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित कर लो कि ये सारी चीज़ ठीक से पहन ली क्या, और इसका रखरखाव भी रखो आप, ठीक है, और इनका रखरखाव के लिए क्या है, प्रॉपर टैगिंग इनका होना चाहिए, हर महीने रखरखाव चेक होना चाहिए चकली के हिसाब से कि इनके पास जो है बोल्ट ठीक ठाक है कि नहीं, कट्स तो नहीं है किधर, डैमेज तो नहीं है कहीं पर, रस्ट तो नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें चेक करनी होती है, हर महीने उसको चेक करके और टैग लगा के ओके है या नॉट ओके है उसको करना चाहिए, और डेली यूज करने से पहले भी विजुअली चेक कर लेना चाहिए। तो ये तो हो गया हाइट के बारे में। अगर मतलब बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि मंकी लड़ रहे हैं, ऐसे स्ट्रेट लड़ रहे हैं, या कहीं मतलब एक टावर पर चढ़ रही, तो उसमें क्या है, हमको फिर एक एक्स्ट्रा एक लेना पड़ेगा फॉल अरेस्टर। तो फॉल अरेस्टर हम उसमें ऊपर से नीचे तक फॉल अरेस्टर रोप बांध देंगे, फिर फॉल अरेस्टर तो उसको में बांध देंगे और रोप में, और उसके बाद में ये हमारा स्ट्रिप है फॉल अरेस्टर का, इसको निकालो एक को बेटा, तो फॉल अरेस्टर हमारा इस तरीके से रोप के साथ में ऐसे इन दोनों स्ट्रिप में लगेगा और हम चलेंगे साथ में फॉल अरेस्टर लगा के ऊपर नीचे। अगर कहीं से स्लिप करके गलती से गिरते हैं तो फॉल अरेस्टर जो है वो लॉक हो जाता है नीचे गिरने के टाइम, तुरंत वहीं में लॉक हो जाता है, आदमी को गिरने नहीं देता, यहीं अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ फॉल अरेस्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मान लो टीन के ऊपर कहीं काम कर रहे हैं, है ना, रूफ टॉप पर कहीं काम कर रहे हैं, तो उस दौरान भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ अगर रेलिंग वेलिंग नहीं है तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर लाइफलाइन लगानी पड़ेगी, है ना, लाइफलाइन लगानी पड़ेगी, ऑरिजेंटल वाली लाइफलाइन लगानी पड़ेगी, और लाइफलाइन लगा के और तब उसमें हमको काम करना चाहिए। चारों तरफ में लाइफलाइन लगा लो, बीच में लाइफलाइन डाल दो उसमें बांध के, और या रिट्रैक्टिव डिवाइस लगा लो, रिट्रैक्टिव हमेशा यूज कर लो लाइफलाइन के साथ में, आराम से घूम घूम के आप काम कर सकते हो, जहाँ भी स्लिप करोगे और जैसे झटका आएगा वो लॉक कर देगा, ठीक है। तो हमको ये फॉल प्रोटेक्शन को इस तरीके से यूज़ करके काम करना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, और हमारी सुरक्षा है तो फिर हमारे परिवार की सुरक्षा है, क्या किसके लिए कमाते हैं, परिवार के लिए ना, तो आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो परिवार सुरक्षित रहेगा, है ना, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए।